साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमिनी कल्चर को कंप्लीट कर लिया था, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम IUPAC नॉमिनी कल्चर के बाद रूड पद्धति या ट्रेवल सिस्टम या कॉमन सिस्टम और डेरी ड्राइवर्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति शुरू करेंगे। दोस्तों, ये दोनों भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अधिकतर आपको ट्रेवल रूट पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति वाले ही नाम मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है कि काफ़ी प्राचीन, यानी ये ओल्ड टाइम से चले आ रहे हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई थी। अब ये क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूड पद्धति के बारे में कि भाई रूड पद्धति नामकरण की क्या है, इसमें कैसे नामकरण किया जाता है और किस किस कंपाउंड को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, जो रूड पद्धति है, यानी जो रूड पद्धति है, इसमें क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, यानी कार्बनिक पदार्थ का नाम, उसके आविष्कारक, यानी किसने उसकी रिसर्च की, स्रोत, यानी वो कहां मिला या कहां से बन रहा है, कि किस पदार्थ से हमें मिल रहा है, और जगह आदि के नाम पर रखा जाता है या रखे गए। ओके, रखे गए, चलो रखे गए कर देते हैं, क्योंकि अब नहीं रखते। अब तो क्या है कि IUPAC से ही इनके, अगर नया कोई कंपाउंड रिसर्च होती है तो उसको IUPAC से उसका नाम रखते हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या करते थे कि रूड पद्धति से उनके नाम रखे जाते थे, या मैं यह कहूं कि भाई जिसने आविष्कार किया या जहां वो मिला उससे उसका आविष्कार होता था। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि मेथेन। अब मेथेन क्या है, CH4 एल्केन का है, कार्बन नंबर कितना है, एक है, चलो CnH2n+2 से आ जाएगा। अब ये मेथेन बोलते हैं इसको, इसको भी वैसे भी मेथेन बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं रूड पद्धति में मार्स गैस। भाई अब ये मार्स गैस क्या है, होता क्या है कि समुद्र के किनारे या अपने जो भी नदियां हैं उनके आसपास क्या होता है कि पेड़ होते हैं। अब उन पेड़ों के पत्ते उस जो पास में जो अपना किनारा है उसके पास में अधिकतर दलदल होती है, तो उस दलदल में वो गिरते हैं, या वो पेड़ सूख के गिर गया, उसकी डाली गिर गई, तो उससे क्या होता है कि उन सारों में क्या होता है, भाई जितने भी पदार्थ सब कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बन से, तो उस कार्बन का अपघटन शुरू होता है। क्या होता है, अपघटन शुरू होता है, और उससे एक प्रकार की गैस निकलती है जिसको मार्स गैस बोलते हैं। तो ऐसे करके इसको मार्स गैस या मेथेन भी बोला जाता है। लेकिन अब रूड नाम क्या है कि एरिया वाइज है, जैसे अमेरिका में मान लो इसको मार्स गैस बोल रहे हैं, अब इंडिया में कुछ अलग बोल रहे हैं, फ्रांस में कुछ अलग बोल रहे हैं, तो इससे क्या होती कि रिसर्च में प्रॉब्लम होने लग जाती, भाई लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए फिर वो IUPAC चला। लेकिन ये नाम याद रखने, ये अधिकतर अपने जो बुक्स हैं उनमें ये रूड नाम ज्यादा चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके क्या हुआ, कास्ट स्प्रिट, क्या होता है कास्ट स्प्रिट, स्प्रिट यानी एल्कोहल, कास्ट स्प्रिट यानी CH3OH, ठीक है। अब जबकि इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल, इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, लेकिन इसको भी क्या बोला जाता है, कास्ट स्प्रिट, कास्ट यानी लकड़ी से ये अल्कोहल बनता है, और मेथेनॉल जहरीला होता है, याद रखें ये जहरीला होता है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं। और जो नकली शराब, या आपने सुना होगा कि जहरीली शराब, तो वो इस कास्ट स्प्रिट या मेथेनॉल से बनती है, इसको पीने के बाद आदमी अंधा भी हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए पी रहे हो तो ब्रांड का पिए, बाकी नहीं पिए, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही एक और आता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड या अम्ल लिख दो, क्या होता, HCOH,
जबकि अब इसका नाम होगा मेथेनोइक, आईयूपीएससी में क्या बोलेंगे, मेथेनोइक अम्ल, लेकिन अपनी रूट में क्या बोलेंगे, फार्मिक अम्ल। क्यों बोलेंगे, एक चिट्टी होती है लाल चिट्टी, जिसको लेटिन भाषा में बोला जाता है फार्मिका, और उस फार्मिका का आसवन करके या उनको उबाल कर यह एसिड बनाया जाता है या एसिड मिलता है, इसीलिए इस एसिड को बोलते हैं फार्मिक एसिड। और दोस्तों जब लाल चिट्टी अपने को काटती है तो काफी जलन होती है और वहां पे छोटी छोटी सी पुंसियां हो जाती है रेड कलर की, वो इस फार्मिक एसिड की वजह से ही होता है। अधिकतर जो डंक मारने वाले जीव हैं, चिट्टी है अपने हनी बी या मधुमक्खी है, अधिकतर उनके डंक में यही मिलता है, इसीलिए काफी जलन पैदा करता है। वैसे ही एक आगे अपना यहां लिखना चाहूंगा, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है भैया ऑक्जेलिक अम्ल, क्या है, अब सही नाम तो क्या है इसका, डाई एथेनोइक अम्ल, लेकिन क्योंकि यह एक ऑक्सिलोफोरस एक प्रकार का फल है, क्या है, एक प्रकार का फल है जिससे मिलता है, टमाटर में भी ऑक्सेलिक एसिड मिलता है, तो क्या ये, वैसे तो डाइओइक अम्ल है, सॉरी ये क्या है, डाइओइक अम्ल, लेकिन रूट पद्धति में क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सेलिक अम्ल। अब ये नाम तो सिंपल है, वे अपने ऑक्सेलिक अम्ल याद रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये इनको याद रखना काफी मुश्किल, अब किस किस का नाम हम रूट से रखेंगे, जबकि अगर अपन को आईयूपीएससी है तो उसके रूल याद है, तो कोई सा भी कंपाउंड दे दो हम उसका नाम लिख देंगे। वैसे ही करके एक आता है दही में मिलता है, किस में मिलता है, दही में, एसिटिक अम्ल, दही में मिलता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल, जबकि इसका फॉर्मूला है CH3COH, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, एथेनोइक अम्ल, लेकिन रूट में क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। याद रखें, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, यहां आपको एथेनोइक एसिड दे देगा, बोलेगा कि इनके रूट नाम लिखो, सीधे सीधे से 11th और 12th में तो सीधे सीधे से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन नॉमिनी कल्चर से उठ के आते हैं, सीधे से देंगे, या तो आपको बोलेंगे स्ट्रक्चर दे देंगे कि इनका आईयूपीएससी नाम लिखो, या रूट नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इनका आईयूपीएससी नाम लिखो। क्यों ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं, ताकि स्टूडेंट को तीनों पद्धतियों के बारे में, तीनों सिस्टम के बारे में जानकारी रहे, और वो आगे जाके जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कुछ अच्छा फील्ड में करे तो उनको कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि व्युत्पन्न और रूड नाम ज्यादा चलते हैं। तो ऐसे करके एसिटिक अम्ल, और एक जैसे अब यूरिया है, उसको कैसे बोल रहे हैं, NH2CONH2। मैं आपको एक वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अब हम कई बार क्या करते हैं कि NH2CONH2 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर हम उनको वैलेंसी दिखाकर लिखें तो अपने को पता है कि भाई ये तो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हो गया अपना यूरिया, ठीक है। अब इसके बहुत सारे नाम है, जैसे डाई अमीन ओइक अम्ल, लेकिन इसको यूरिया बोलते हैं क्योंकि ये यूरिन में मिलता है, कहां मिलता है, मनुष्यों या मनुष्यों के मूत्र में, यूरिन में मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया यूरिया, और इसका तो रूड नाम ही चलता है सदैव, आपको यूरिया ही मिलेगा, कहीं भी इसका यूपीएससी नाम नहीं मिलेगा, ठीक। वैसे ही करके बहुत सारे, जैसे लैक्टिक एसिड है जो दूध में मिल रहा है, ऐसे करके ये तो हो गए किस आधार पे, कि इनके स्रोत के आधार पे कि हमें ये वहां मिले, इसीलिए इनका नाम हमने रख दिया। लेकिन अब एक इसमें भी एक नाम की पद्धति चलती है, वो क्या है, देखो अगर चेन सीधी है, क्या है, जो श्रृंखला है, चेन है, वो क्या है, सीधी है, सीधी का मीन्स कहीं भी कोई प्रतिस्थापी नहीं लगा है,
कोई भी प्रतिस्थापी उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापी नहीं है। जैसे कि मान लो ये ले लो आप, ठीक है, इसको ले लो, ये लो, तो अगर सीधी चेन है यानी नॉर्मल है तो उसको हम लिखेंगे n, स्मॉल वाला n, फिर IUPAC में आ जाओ। इसलिए मैंने कहा ना कि IUPAC, मैंने इसलिए पहले बताया, IUPAC में देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये एल्केन है, और तो एल्केन में एक फोर्थ नंबर पे हम बोलेंगे ब्यूट और एन लग गया अपना अनुलग्न, तो ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन रूट में इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। रीजन, क्योंकि ये एक सीधी श्रृंखला है और कोई भी प्रतिस्थापी इस पर नहीं लगा है। चलो ये हो गया। अब लेकिन अगर प्रतिस्थापी लगे हो तो प्रतिस्थापी जैसे अगर ये करके ऐसे करके यहां पे मान लो कोई प्रतिस्थापी है एक बार के लिए, मान लो यहां पे मैं अगर टू लिख के, अगर ये वाली स्थिति है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, शुरू में चेन के शुरू में फर्स्ट में ये वाली स्थिति, आगे चाहे कितने ही कार्बन हो, ठीक है, ये वाली स्थिति आप मान लो, तो ये वाली स्थिति हम ब्यूटेन में ही ले लो सीधी सी। देखो ये रहा आपका CH3CH, तो इस चीज को बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। और कार्बन को गिन लेते हैं 1, 2, 3 और 4, तो आइसोब्यूटेन। क्या हो गया, ये आइसोब्यूटेन। जबकि मैं IUPAC में देखूं तो ये 2-methyl propane है, लेकिन ये रूट में क्या है, आइसो, क्योंकि इस वाली सिचुएशन को आइसो बोलते हैं। ये कहीं भी प्रेजेंट है चेन के फर्स्ट में ही, जैसे मान लो ये ले लो 1, 2 और ये, तो अब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या हो गई ये चीज, आइसोपेंटेन। क्यों, क्योंकि जहां पे मतलब सेकंड नंबर पर मिथाइल लगा हो और चार इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो और अगर वो चेन के फर्स्ट में है तो उस कंडीशन को हम आइसो बोलेंगे। तो ये हो गया आइसोपेंटेन और ये हो गया आइसोब्यूटेन। जबकि अगर IUPAC में चलेंगे तो ये क्या है, ये एक प्रोपेन की चेन है जिस पर कोई मिथाइल प्रतिस्थापी लगा है। चलो ये हो गई थर्ड, मतलब टू पोजिशन का, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड। थर्ड पोजीशन में क्या होता है कि अगर कार्बन के चारों ओर मिथाइल ग्रुप लगे हों इस प्रकार से, ये तो इस स्थिति को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। और कार्बन गिन लो 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया नियो पेंटेन, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि भाई ये क्या है, तो भैया ये जो पोजीशन है वो है नियो हेक्जेन, क्योंकि रूट में सीधे से कार्बन गिन के उनका नाम लिखा जाता है। तो ये हो गई स्थिति नियो हेक्जेन, ये है न्यू पेंटेन, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा तरीका कि भाई चेन को देखकर नाम रखते हैं। अब एक तीसरा तरीका और है जिसमें कार्बन को प्राइमरी टर्सरी ऐसे नाम दिए जाते हैं, कि वो कैसे दिए जाते हैं, देखो दूसरी पद्धति में क्या है, दूसरी पद्धति है कार्बन का नंबर, यानी कि एक बार ऐसे देखो कि अगर कार्बन है जिस पर एक कार्बन लगा हुआ हो, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, मात्र एक कार्बन, ठीक है भैया, कितने, एक, सिर्फ एक कार्बन, तो उसका इस जैसे इससे जुड़े हुए मान लो इसको मैं स्टार लगा दूं तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 1° कार्बन या प्राथमिक कार्बन, इंग्लिश में चले तो प्राइमरी कार्बन, ठीक है, क्योंकि इनको इनाम की पद्धति। अब अगर किसी कार्बन पे दो कार्बन लगे हो, ठीक है साहब,
ये लो, दो कार्बन लगा देते हैं, वन टू, ठीक है। अब अगर दो कार्बन लगे, कार्बन सिर्फ कार्बन याद रखे, कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हो, यानी सीसी बॉन्ड को ही देखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को नहीं देखेंगे डिग्री लगाते टाइम, या प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन में। याद रखे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को गिन के उसका नाम लिख देते हैं और फिर वहां पे वो उनका गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनका कार्बन से ही बंद देखना है। तो यहां पर हमने इसको लिया तो इसमें कौन सा आ गया, यह हो गया 2 डिग्री कार्बन अथवा द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अभी ये क्यों बता रहा हूं, अभी आगे मैं बताऊंगा इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। अब मान लो एक कार्बन आ गया ऐसे करके, और यहां पे एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन, ये लो और ये लो, कि अब क्या हुआ, को ये कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए, मैं जो स्टार लगा रहा हूं उस कार्बन, कितने कार्बन लगे हुए इस कार्बन से, 3 कार्बन, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या तृतीय कार्बन, या बोलेंगे इसको टर्सरी कार्बन, ठीक है। अब मान लो भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी उससे एक बार में 4 का परमाणु जुड़ सकते हैं, चाहे वो कार्बन के हो चाहे वो हाइड्रोजन के हो। तो ये लो भैया, ये चारों कार्बन इससे लग गए, ठीक है, यानी कि नियो वाली पोजीशन का जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं चतुर्थ या 4 डिग्री कार्बन, या हो गया। तो आइसो वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, तृतीय कार्बन, और नियो वाले को बोलेंगे चतुर्थ कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ये क्यों, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, आप पता चल गया, अगर एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए तो 2 डिग्री, 3 जुड़े हुए तो 3 डिग्री, और 4 जुड़े हुए तो 4 डिग्री। लेकिन कार्बन ही जुड़ने चाहिए, हाइड्रोजन तो होंगे, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है। चलो ये हो गया। अब ये कहां यूजफुल है, अभी बताते हैं कि वो कहां यूजफुल है। आप एल्कोहल पढ़ोगे तब आपको एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल पढ़ना पड़ेगा, जहां मतलब यही होगा कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो कार्बन है उससे एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन से 2 कार्बन, यहां पे कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और उस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ। यानी एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं कि जैसे मान लो ये हो गया आपका क्या, CH3OH, तो ये तो सीधा हो गया कि भैया ये तो मेथेनॉल है, लेकिन भाई ये क्या है, अब ये वाला जो OH है इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, और यही ये वाला एल्कोहल है ये वाला। अब IUPAC में इसको बोलेंगे 2 पे जुड़ा है तो 2-propanol या prop2nol, लेकिन रूट में इसको बोलेंगे 2 डिग्री
प्रोपेनॉल या द्वितीयक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन जो है या जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन से एल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है कौन से कार्बन पे है? 2 डिग्री, क्योंकि इसके चारों ओर 2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। अब वहां पे आपको अगर ऐसा सीधा सा आपको दे दे कि 2 डिग्री प्रोपेनॉल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होते हैं, तो वो बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीच वाले कार्बन की पोजीशन 2 डिग्री है, तो द्वितीयक। वैसे अगर मान लो तृतीयक बोल दे ये वाला, और ये OH, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, यानी कितने कार्बन लगे हुए हैं इससे? 3, तो ये हो गया तृतीयक 1, 2, 3, 4 ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो गया ये? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका सीधा मतलब है कि भैया जो कार एल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री से यहां मतलब है कि उस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जो वैलेंसी कंप्लीट करनी हो वो आप हाइड्रोजन से पूरी कर ले। इसकी देखो चारों कंप्लीट है, इसलिए कोई हाइड्रोजन यहां पे नहीं आएगा, स्टार लगा दिया क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। वैसे के वैसे हेलोजन में होता है कि अगर यहां मैं क्लोरीन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा ब्यूटिल क्लो, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और चतुर्थ जो वाले हैं जो टर्सरी ही मिलते हैं, टेट्रा नहीं मिलते हैं, उसका रीजन है कि भाई अगर चारों ही बॉन्ड पर कार्बन आ गया तो अन्य प्रतिस्थापित तो आएगा ही नहीं, आएगा तो वो टर्सरी हो जाएगा। ऐसे करके ये हो गया रूड पद्धति की 1 डिग्री 2 डिग्री या डिग्री या प्राथमिक या कार्बन का कौन सा क्रमांकन करना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। ये हो गई भैया पूरी की पूरी रूड पद्धति कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये वाले ना, या तो आपको देखना कि उसका सोर्स क्या है, और अगर वो ऐसे प्राथमिक द्वितीयक कर रहा है तो उसको उसी प्रकार से लिखें। ये जब आपके एग्जाम में आपको ऐसे लिखेंगे कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना बनाइए या उसका सूत्र लिखिए, इस प्रकार से एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं व्युत्पन्न पद्धति पर। ये पद्धतियां लगती सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ भैया व्युत्पन्न पद्धति, क्या है ये व्युत्पन्न डिराइव्ड, क्या है भाई ये डिराइव्ड? चलो इस पे भी चल ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्युत्पन्न पद्धति, अब व्युत्पन्न पद्धति में क्या है? मैंने आपको बताया था कि सजातीय श्रेणियां में क्या होता है कि इनका जो प्राथमिक सदस्य होता है, आगे वाला जो सदस्य है वो उससे सिर्फ 14 अणु भार ही अधिक होगा, यानी एक CH2 ज्यादा लगेगा, तो जो प्राथमिक सदस्य होता है उसको यहां पे हम पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पेरेंट कंपाउंड, ठीक है, उस वो मानकर आगे वाले के नाम लिखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे जो एल्केन है उनका क्या है भैया? मेथेन फर्स्ट वाला, ठीक है। और लेकिन यहां तक तो जो सजातीय या रूट ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगी एल्कीन। देखो एल्कीन में क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसको डिराइव्ड में बोलते हैं एथिलीन, जबकि क्या बोलते हैं उसको? एथिलीन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको पेरेंट कंपाउंड मान लेंगे, यानी अनुलग्न के रूप में किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? इस एथिलीन का। कैसे? देखो एथिलीन की स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है भैया, ये हमारा एथिलीन। क्या बोला मैंने एल्कीन में कि भाई
इसको पेरेंट कंपाउंड मान के इसको अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे। चलो भैया ये रहा सी एच, ये आपका एथिलीन और इससे लग गया एक मेथिल, इधर भी लग गया एक मेथिल, ठीक है। तो कितने मेथिल हो गए? दो, यहां पे संख्या नहीं दर्शा सकते, दो। तो ये हो गया डाई मेथिल, और इंग्लिश में मेथिल को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। मेथिल एथिलीन क्या हो गया इसका नाम, डाई मेथिल एथिलीन। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये आपका यहां पर सी एस थ्री लगा हो तो है तो ये, क्योंकि ये आ गया, ये चीज आ गई, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एथिलीन है, तो ये भी क्या होगी, डाई मेथिल एथिलीन। लेकिन इसको बोलेंगे हम असममित, असममित का मतलब भाई ये एक ही कार्बन पे लग गई, यानी स्ट्रक्चर ऐसे सममित नहीं बनी। सममित का मतलब कि इसको काटें या इसको इधर से काटें तो दोनों तरफ बराबर भाग मिले, ठीक है। इसका मतलब ये असममित है, क्योंकि इधर से काटेंगे तो भी नहीं मिलेगी, इधर से काटेंगे तो इधर तो रह जाएगा सी एस थ्री ग्रुप जबकि इधर रह जाएगा केवल सी एस टू ग्रुप। तो ये हो गया असममित डाइमिथाइल एथिलीन, जबकि इसको बोलते हैं डाइमिथाइल एथिलीन, या सममित नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई ये इसके जो दोनों सी एच ग्रुप है डबल बॉन्ड के उधर, उन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है। क्या करेंगे, एल्केन में सीधे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्केन जो है वो आईयूपीएससी पे चलता अधिकतर, या फिर जो डिराइव्ड में जो चलते हैं ना, मैंने बताया ना आपको रूड वो ड्राइव एन आइसो, लेकिन जो अपना डिराइव्ड है, डिराइव्ड में अधिकतर क्या होता है कि एल्केन और एल्काइन के नाम में कंफ्यूजन होता है। याद रखें एथिलीन आ रहा है, इसका मतलब भाई जो चेन है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर है, या ये वाली मान लो आप, क्योंकि अगर कार्बन वगैरह लग गया तो हाइड्रोजन का तो प्रतिस्थापन हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो तो वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर है कहीं भी और एथिलीन आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चीज है या ये जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है, इसीलिए उसको एथिलीन बोल रहे हैं। ये हो गया आपके एल्कीन का। लेकिन अब अगर एल्काइन हो तो क्या करेंगे, एल्काइन हो तो क्या नाम दे देंगे, एल्काइन में फर्स्ट जो पेरेंट कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर होती है सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इस चीज को बोला जाता है एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ठीक है भैया, बोल दे तो बोलेंगे, हम ही बोले। अब नेम कैसे लगेंगे, मान लो भैया आपका ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री, तो इसको बोलेंगे मेथिल एसिटिलीन, यानी सीधी सी बात है कि एक मिथाइल ग्रुप है जो इस एसिटिलीन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके मान लो अब कि, लेकिन अगर दोनों साइड लगा हुआ है तब वो हो जाएगा डाइमेथिल एसिटिलीन, और एक ही साइड में अगर यहां पे मैं लिखूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं आपके लिए, तो इस चीज को बोलेंगे एथिल एसिटिलीन। और क्या होता है, एसिटिलीन जो गैस होती है वो जो अपन बोलते हैं ज्वलनशील या अधिक जल्दी से आग पकड़ लेती है, और एक इसीलिए एसिटिलीन गैस है वो अधिकतर ईंधन के रूप में इसका यूज लेते हैं, अपन नॉर्मल लाइफ में नहीं लेते हैं। तो जो एसिटिलीन ये भी एक गैस होती है, ठीक है। तो और एसिटिलीन गैस कच्चे फलों के ऊपर छिड़की जाती है ताकि वो जल्दी से पक जाएं, ठीक है। तो ये हुई आपकी रूड सॉरी व्युत्पन्न पद्धति। क्या करेंगे कि सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य को
क्या मान लेंगे? पेरेंट। अब हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। पेरेंट कंपाउंड या क्या बोलते हैं इसको, जनक यौगिक। ठीक है, पेरेंट कंपाउंड याद रखें। कभी कभी हिंदी में क्या है, कुछ टफ वर्ड जाता ज्यादा आते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड याद रहते हैं। तो पेरेंट कंपाउंड मान लिया जाता है प्रथम सदस्य को, और उस सदस्य के नाम को अनुलग्न के रूप में यूज करके फिर आगे आगे उसके नाम लिखे जाते हैं। तो कई बार आपको, कहीं भी आपको जो ये एसिटिलीन है भैया, इसका नाम आपको अधिकतर एसिटिलीन ही मिलेगा, कहीं भी एथेनाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी एल्काइन में यही तो होता, आइन लगता तो एथेनाइन हो गया ना, एथेनाइन कहीं भी नहीं मिलेगा, यह आपको एसिटिलीन के रूप में ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके कंप्लीट होती है आपकी व्युत्पन्न और रूढ़ पद्धति। मैंने इसीलिए इसको मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा, ऐसे हम उनके आराम से उनका नामकरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति भी कंप्लीट होती है। कल हम क्या करेंगे कि जो कार्बन बॉन्ड बनाता है, जो बंध बनाता है, कैसे बनाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में उसका क्या यूज है, क्या यूज है, या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में यहाँ उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक कर दें, और जो 11th में स्टूडेंट अभी अभी आए हैं या 12th में हैं, पिछली बार कुछ नहीं पढ़ा कोरोना से उन्होंने, उनको ज़रूर आप शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक उपयोगी बनाएं। धन्यवाद।